नमस्कार, तफ्तीश की नई घड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। तफ्तीश में सबसे पहले बात ग्वालियर पुलिस के उस छापे की, जिसने ग्वालियर में चल रहे सट्टा रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। ग्वालियर पुलिस ने शहर के कुख्यात अपराधी माइकल के घर पर दबिश दी। हालांकि माइकल तो पुलिस के हाथ नहीं चढ़ा, लेकिन सट्टे का काला कारोबार चलाने वाले उसके साथी और बीवी पुलिस के हत्थे जरूर चढ़ गए। ग्वालियर पुलिस ने पूरे दल बदल के साथ बुधवार दोपहर एक शातिर बदमाश के घर दबिश देकर उस बदमाश के घर से चल रहे सट्टे के काले कारोबार का पर्दाफाश किया। पुलिस के निशाने पर था ग्वालियर के कुख्यात बदमाश माइकल का घर। कंपू थाना इलाके में बने इस घर पर दबिश देने के लिए एएसपी साहब की अगुवाई में पुलिस का पूरा दल बदल मौजूद था। पुलिस ने घर में एंट्री के बाद घर के एक एक कोने को खंगाला। पुलिस को घर के अंदर से सट्टा कारोबार से जुड़ा हर सामान मिला। पुलिस ने 20,000 कैश के साथ लाखों रुपए की सट्टा पर्चियां भी जब्त की। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई की भनक शायद माइकल को पहले लग गई थी, लिहाजा वो भागने में कामयाब रहा। लेकिन पुलिस ने उसके साथ मिलकर इस कारोबार को चला रही उसकी बीवी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बकौल पुलिस, माइकल सालों से सट्टे के काले कारोबार से जुड़ा है और अपने इसी घर से अपना अवैध कारोबार चला रहा है। पुलिस की इस तरह की दबिश से बचने के लिए उसने अपने घर को सीसीटीवी कैमरों से लैस कर रखा था। हालांकि अब माइकल की पत्नी और उसके साथी पुलिस गिरफ्त में है। उम्मीद है कि माइकल भी जल्द ही खाकी वालों के शिकंजे में होगा। इसके अलावा पुलिस माइकल की संपत्ति का ब्यौरा भी खंगाल रही है कि सट्टे की काली कमाई से उसने अब तक कितनी प्रॉपर्टी खड़ी की है। सुशील कौशिक, जी मीडिया, ग्वालियर। सट्टे का काला कारोबार अब कातिल भी बन गया है। सट्टे की वजह से ग्वालियर में एक युवक की जान चली गई। दरअसल युवक सट्टे में लाखों रुपए हार गया था और जब लेनदारों ने पैसे लेने का दबाव बनाया तो युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। आईपीएल मैचों के दौरान सट्टे का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। आए दिन कहीं न कहीं से सट्टे का खेल चलाने वालों का कोई न कोई गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। सट्टे के खेल से सटोरिए लाखों के वारे न्यारे कर रहे हैं, तो इसकी लत में पड़ चुके युवाओं के पैसे तो डूब ही रहे हैं, अब तो सट्टे की वजह से उनकी जान भी जा रही है। ग्वालियर के रहने वाले 28 साल के वीरेंद्र ने सट्टे में लाखों रुपए हारने की वजह से अपनी जान दे दी। वीरेंद्र ने मंगलवार देर रात ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मेरे दोस्त का छोटा भाई है, काफी अच्छा मिलनसार परिवार में अच्छा लड़का था। कुछ दिनों से क्रिकेट के सट्टे की लत लग गई। पहले भी पैसा काफी हार गया, जो घर वालों ने मदद करके उसको दे दिया। अब की बार फिर दोबारा से जो आईपीएल आजकल चल रहा है, जो वर्तमान में उसमें जो भी हार गया हो, ये तो पता नहीं कितना क्या हार गया, लेकिन उसके कारण तनाव में था। रात को बिना बताए घर से कहीं चले गए। सुबह हमारा जो इसका बड़ा भाई है, मित्र है, उसके पास थाने से फोन आया, पुरानी छावनी थाने से। तो ये लोग गए और भी दोस्त गए तो 3 बजे उसकी बॉडी मिली। बताया जा रहा है कि वीरेंद्र आईपीएल के दौरान सट्टा खेल रहा था। 15 दिन पहले ही वो सट्टे में 5 से 7 लाख रुपया हार गया था, लेकिन वो पैसा उसके घर वालों ने चुका दिया था। लेकिन बावजूद इसके वीरेंद्र ने सट्टा खेलना नहीं छोड़ा और अब वो दोबारा सट्टे में 1 लाख रुपया हार गया था। लेनदार उस पर पैसा लौटाने का दबाव बना रहे थे और इसी वजह से वो मानसिक तनाव में था। इसी मानसिक तनाव के चलते उसने अपनी जान दे दी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज रात में एक डेड बॉडी मिली थी बरुआ के पास रेलवे ट्रैक पर, तो वहाँ पे एक मोबाइल मिला था, उससे उसके घर वालों को पता लगा के बुलाया तो उसकी पहचान बीरेंद्र पुत्र दिलीप सिंह गुर जाट के नाम से हुई है और ये आनंद नगर का रहने वाला है। पुलिस सट्टे के खेल और सटोरियों पर शिकंजा कसती रहती है, लेकिन इस काले खेल का जाल कुछ ऐसा फैला है कि पुलिस किसी गिरोह पर एक जगह छापा मारती है तो सटोरियों का कोई दूसरा गिरोह दूसरी जगह सक्रिय हो जाता है। सटोरियों के इसी जाल में फंसकर वीरेंद्र जैसे युवक अपना पैसा और अपनी जान तक गंवा रहे हैं। सुशील कौशिक, जी मीडिया, ग्वालियर।